हाय फ्रेंड्स, दिस इज एबीजे एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल एबीजे एक्सट्रीम। दोस्तों, पालतू जानवर को पालने का शौक हर किसी को होता है। बहुत से लोग नए नए डॉग और नए नए कैट पालते हैं, उसके लिए लाखों रुपए दे देते हैं। पर क्या दोस्तों, कोई पालतू जानवर या कोई ऐसा जीव आपको करोड़पति बना सकता है? जी हाँ, ये सच बात है। और मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपको करोड़पति बैठे बैठे बना सकता है। घर में कोई भी कीड़ा दिखता है तो आप उसे क्या करते हैं, चप्पल से मारते हैं या तो उठाकर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन मैं जिस कीड़े की बात करने जा रहा हूँ, वो कीड़ा अगर आपको मिल जाए तो उसको उठाकर किसी बोतल में रख लीजिए, क्योंकि वो ही कीड़ा आपको बनाएगा करोड़पति। तो दोस्तों, कौन सा कीड़ा है और कैसे आप बनेंगे अमीर और करोड़पति, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम जिस कीड़े की बात करने जा रहे हैं वो कोई ऐरा गैरा कीड़ा नहीं है, वो एक चलता फिरता करोड़पति कीड़ा है। मानो कि अगर वो आपको मिल जाए तो आपकी किस्मत रातों रात चमक जाएगी। छोटा सा दिखने वाला 2 से 3 इंच का कीड़ा एक लग्जरी कार और महंगे फ्लैट के बराबर इसकी कीमत है। तो दोस्तों, जिस कीड़े की बात हम करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टैग बीटल। स्टैग बीटल दोस्तों, यह कीड़ा काटता भी नहीं है और अपने काम से काम मतलब रखता है। लेकिन ये कीड़ा अगर आपको घर में कहीं दिख जाए तो उसको उठा कर रख लीजिए, क्योंकि यही कीड़ा आपको बनाएगा करोड़पति। जहाँ पर कीड़ों को देखने के बाद लोगों को घृणा होने लगती है, वहीं इस कीड़े को देखने के लिए होड़ मची रहती है। अगर ये कीड़ा उनके घर पर मिल जाए, और बेशक ये जायज़ भी है, दीवानगी सच भी है, क्योंकि ये कीड़ा इतना बेशकीमती कीड़ा है कि आपको ये करोड़पति ही बनाकर छोड़ेगा। दोस्तों, अब बात ये आती है कि स्टैग बीटल को पहचानेंगे कैसे। तो स्टैग बीटल को पहचानने का जो तरीका है वो है इसके 2 सींग, यानी काले सिर से निकलने वाले जो 2 सींग है, जिसकी लंबाई औसतन 4.8 इंच, यानी 2 इंच से लेकर 4.8 इंच तक हो सकती है। ये लुकांडे परिवार का सदस्य है, जो कि 1200 प्रजातियों में से एक है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये जो बोल रहा हूँ ये जेन्युइन कैसे है, यानी सच कैसे हो सकता है। तो सच ऐसे हो सकता है कि अभी कुछ ही साल पहले एक जापानी ब्रीडर ने अपने स्टैग बीडल की कीमत $89,000, यानी $89,000 लगाई थी, करीबन 65 लाख रुपए। और उसके बाद भी लोग इसे करोड़ रुपए देकर खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, दावा तो ये भी किया जाता है कि इसी कीड़े से कई तरह की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। कुछ क्वालिटीज़ भी इनके पास होती है, जैसे कि ये सर्द मौसम में मर जाते हैं, यानी सर्वाइव नहीं कर पाते। इनको गर्म जगह पसंद होती है, जैसे कि जो खाद होती है उसके ढेर। दोस्तों, इनका जो जीवन चक्र होता है वो अंडे से लेकर वयस्क तक होने में 7 साल का चक्र होता है। इनकी पहचान एक तरह से ऐसे भी कर सकते हैं कि केकड़े की तरह दिखने वाला इनका सींग, यानी इनका जब आप देखेंगे इनको तो ये केकड़े की तरह लगभग दिखेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये इतने कीमती क्यों हैं। तो दोस्तों, क्योंकि कई प्रकार की दवाइयाँ इससे बनती है, इसीलिए ये बेशकीमती हैं। अब दोस्तों, लार्वा जो इनका होता है, पहली बात तो ये जल्दी दिखते नहीं हैं, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर ही रहते हैं, और जब दिखते हैं तो वो पेड़ के रस या फल के रस या पानी पीकर जिंदा रहते हैं, जो कि वयस्क। अगर लार्वा की बात करें तो वो ज़मीन में लकड़ियाँ जो होती हैं उनके सड़ी हुई लकड़ियों को खाकर जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों, थी ना ये कुछ इंटरेस्टिंग खबर। अगर ये कीड़ा आपको दिखता है तो आप भी रख लीजिए, और अगर हमें दिख मिलेगा तो हम भी रख लेंगे, दोनों लोग करोड़पति बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। करिए फिर से एक नए खबर का इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।